What's going on guys, RG here. मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेके एक और रिएक्शन वीडियो, और इस बार हम रिएक्ट करने वाले हैं हमारे पंजाबी लेजेंड, द मान ऑफ पंजाबी सिंगिंग इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, द पंजाब ऑफ मतलब द मान ऑफ आर पंजाब, द मान ऑफ आर हार्ट्स, बब्बू मान्स न्यू सॉन्ग विच इज शौक नाल। देखते हैं की लिया भाजी ने ऐतकी। हम कोई भी गाना बब्बू मान साहब का है हम मिस नहीं करते, ये तो जो मर्जी है व्यूज आए ना आए पर गाना नहीं मिस करना। लेट्स चेक इट आउट, मान साहब का यह गाना शौक नाल। मान साहब का म्यूजिक लग रहा मैनू। मान साहब के म्यूजिक की ना एक खासियत है, मेरे को ये लगता है कि मेरे ख्याल से यही अकेला बंदा है जो सैंपल यूज़ नहीं करता, मतलब जेन्युइनली, मतलब बड़ा प्यारा लगाते हैं जो भी म्यूजिक के अंदर या एलिमेंट लगाते हैं। हाय हाय शौक नाल कटी जट ने, ओहो दारू शौक नाल कटी जट ने, शौक नाल कटी जट ने, दो फुट तो देखी अग फड़दी, शौक नाल कटी जट ने, दो फुट तो देखी अग फड़दी, बोतल च वड़ नचदी, बोतल च वड़ नचदी, बोतल च वड़ नचदी, यारो कच नू शराब जावे चढ़दी, वो दिल च बड़ी नचदी। नाइस, क्या वोकैबुलरी लेके आते ना यार, गाना मतलब अलग ही लेवल चला जाता है। बोतल नू शराब चढ़ी हुई है इसका मतलब हुंदा, मतलब दारू बोतल में डाली और कांच भी नाच रहा। हाय 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 हाय, ओ क्या बात है, तितरां दा सत विच सुटे सी अंगूर नी, पान दी पत्ती विच लाची दा सरूर नी, खून चियो बाली उठदा, खून चियो बाली उठदा, सुकी लकड़ी नू यारो अग फड़दी, शौक नाल कटी जट ने, शौक नाल अंग्रेज भी घर दी कड्डी ते आ गए, ओ तेरा भला हो जे मान साहब। सच्ची मतलब मजाक नहीं है, बब्बू मान इज समबडी विच इज इमोशन यार, यहां से निकलता है आदमी, यहां से। और इतना पैशनेट राइटर और इतना पैशनेट सिंगर मैंने नहीं देखा, मतलब कमाल यार। अपने काम के लिए जो पैशन है ना, वो इस बंदे से इनहेरेंट करो अगर करना चाहते हो। कड्डी जट ने, दो फुट तो देखी अग फड़दी, शौक नाल कड्डी जट ने, क्या बात है। मित्रां दी महफिल दा तू ए शिंगार नी, मान साहब का जो जेन्युइन फैन है ना, मान साहब का जो जेन्युइन फैन है, कहीं कहीं पे उनके लिरिक्स ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। तुम्हें पता होगा मान साहब का आगे क्या आ रहा है, और जेन्युइनली बड़ा मजा आता है यार। जो मतलब मान साहब से जुड़े हैं ना, उनको पता है कि ये क्या है, मतलब क्या वाइब है ये। मित्रां दी महफिल दा तू ए शिंगार नी, चित कर देवा ते तो बोतला में वार नी, थिड़क गए पैर जटिए, मैं खा अख ना मान दी खड़दी, शौक नाल कड्डी जट ने, दो फुट तो देखी अग फड़दी, बोतल च वड़ नचदी, बोतल च वड़ नचदी, यारो कच नू शराब जावे चढ़दी, बोतल च वड़ नचदी,
शौक नाल कड्डी जट ने दो फुट तो देखी अग फड़दी शौक नाल कड्डी जट ने Nice, yeah. अगर सिंगर लिरिक्स और म्यूजिक की बात करें तो इट्स ऑलवेज बब्बू मान इन बब्बू मान सॉन्ग. तो मतलब जब ये होता है ना तो फिर भैया नाचते ही हैं लोग, या तो नाचते हैं या पूरे गम में डूब जाते हैं. साडा खंटाला वीरे कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ही इज द ट्रू लेजेंड ब्रो. लेजेंड इस बंदे को बोलते हैं, हर किसी को नहीं पर बहुतों को बोलते हैं यार. मतलब ऐसी शख्सियत होनी चाहिए यार बंदे की. उसके बाद अगर हम बात करें फीचरिंग क्यारा भाई, सभी अच्छे कर रहे थे, इवन अंग्रेजों ने भी अच्छा डांस करा, ऑल ऑफ देम वो गुड. अगर मैं वीडियो की बात करूँ, आर स्वामी द पर्टिकुलर डायरेक्टर दैट मान साहब टेक्स इन फॉर द वीडियोज, अच्छा लगा देख के यार, बहुत ही कमाल था. मान साहब तक ये वीडियो पहुँचाओ. मान साहब जे तुसी आ वीडियो देख रहे हो, थोनू इक्को गल कहना चाहूँगा, थोड़े गाने साढ़े खून च रचे ने, चाहे मित्रां दी छत्री है चाहे अज दिन हशरदा है. बट एक गल कहां, सानू नचण लई थोड़ी आवाज़ काफ़ी है. जे सानू नचाना है ना तो थोड़ी आवाज़ काफ़ी है, तुसी कुछ कर दो सानू वधिया लगता. तो ये मैनू इन्ना वधिया लग्या गाना, दिस इज़ पर्टिकुलर मैसेज फॉर मान साहब यार. तो ये मत सोचना कि मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ, सबको समझ में नहीं आ रही, लेकिन दिस पर्टिकुलर मैसेज फॉर मान साहब. मान साहब मैं इक्को गल कहना चाहूँगा, बस इक्को गल है, जल्दी जल्दी लिया करो गाने. तो दूजी गल होर कह देव मौका देख के कह देना चाहिए. मान साहब एक गल हो रहा छोटी जी के जल्दी लिया करो गाने यार, मतलब वी मिस योर सॉन्ग्स ब्रो. मतलब सानू होंदा कि मान साहब का गाना आवे, होर जल्दी आवे, सानू होर सुनने नू मिले. यू आर अ जेन्युइन इमोशन ऑफ एवरी पंजाबी, यू आर अ जेन्युइन इमोशन. इत्थे वसदे हो इत्थे, मतलब क्या यार, वाइब भी अलग है, मतलब वाइब भी अलग है. एंड सिंपली बिग फैन ऑफ यू. कभी मौका मिलेगा जिंदगी में आपसे मिलने का, पता नहीं, बहुत बड़ी आस्क है ये मेरे लिए. मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आपसे मिल पाऊँ कभी, बट अगर कभी मिला तो आई विल बी द मोस्ट लकीस्ट पर्सन ऑन द प्लानट. ये मैंने किसी आर्टिस्ट के लिए नहीं बोला, शायद बोला एक आध बंदे के लिए, लेकिन हाँ कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे जुबिन गर्ग दादा हैं, मैं उनको भी मिलना चाहूँगा एक बार लाइफ में. बहुत रेयर आर्टिस्ट हैं, मतलब बेसिकली बहुत रेयर आर्टिस्ट हैं जिनके लिए मैंने ये बात कही होगी. एक रितो रिबा के लिए कही है, जुबिन दादा के लिए कही है, और बब्बू मान साहब के लिए कही है. सिद्धू को मिलना चाहता था, सिद्धू इज़ नॉट विद अस, बट समहाउ दिल जरूर जुड़ा है. लेकिन यार पता क्या है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे लेजेंड्स अपना प्रोडक्ट लाते हैं ना, और वो शोकेस करके जाते हैं कि वाई वी आर लेजेंड्स. अब यहाँ पे तुम वोकैबुलरी देखो भाई, आज के गानों में वोकैबुलरी है ही नहीं. ओ ही गुच्ची शनैल पराडा यही चल रहा है, बट दिस इज समथिंग, मतलब फुल ऑफ वोकैबुलरी लिटरेचर. पंजाबी लिटरेचर को एक्चुअल प्रमोट ये बंदा करता है यार. मतलब आई लव बब्बू मान मैन, आई लव बब्बू मान, एंड दिस लव इज फॉर अ रीजन मैन, दिस लव इज फॉर अ रीजन. चलो मिलते हैं अगली वीडियो में. सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना. मान साहब तुसी विकारती हो जे के देखोगे वीडियो यार, थोड़े शेयर करे तो शायद कुछ बन जाए साडा, वैसे तो कोई बनना नहीं बट ठीक है. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिल सी वीडियो गाइस. जय हिंद, मिलता हूँ बहुत जल्दी.